शोबे अपने गृह साचा धमदा प्रवास पर रहे। लगभग 8 करोड़ की लागत की बनने वाली विभिन्न सड़कों और एनीकटों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं कृषि मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने विकास नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद विधानसभा में विकास कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की फसल का बीमा दिया जाएगा और बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। हमारे क्षेत्र में पिछले 5 साल से काम प्रभावित हो गया था। जितना लोक निर्माण विभाग और इरिगेशन के जो स्वीकृति मिली है, एक दिन में कितना भूमि पूजन कर पाएंगे, लेकिन जो आवश्यक है आज लगातार नदी के निकट कहीं रपटा का काम है, कहीं सड़क का काम है, कहीं पीडब्ल्यूडी का काम है, तो जो संभव हो पा रहा है उसका भूमि पूजन हो रहा है। बहुत विकास के पिछले 5 साल में जो छूट गया था उन कामों को करने की अभी जरूरत है। दूसरा, किसानों से थोड़ी अभी ओलावृष्टि और बारिश से तकलीफ है, तो उनसे थोड़ा रूबरू होना है। कुल मिला के सरकार उनके साथ है, हम उनको RBC का भी मदद कराएंगे, हम बीमा से भी उनकी मदद कराने वाले हैं, तो उनसे चर्चा करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन है।